बॉलीवुड में सत्याग्रह लाने वाले प्रकाश झा और अजय देवगन से हमारे रिपोर्टर चिराग पांचाल ने सत्याग्रह की टीम से की खास बातचीत। आइए देखते हैं वो दिलचस्प बातें। फिल्मों के चक्रव्यूह की राजनीति हमेशा दर्शकों का अपहरण कर उन्हें बॉक्स ऑफिस पर खींचती आई है, क्योंकि जब ये दोनों साथ हो तो भला किसी दर्शक का दिल क्या करे। मेरे साथ है सुपरस्टार अजय देवगन और मशहूर निर्देशक प्रकाश झा, जिन्होंने अब की बार सत्याग्रह की ठानी है, तो उन्हीं से पूछते हैं क्या है इस सत्याग्रह के मायने। आपके इस परिचय में मैं गंगा जल डाल दूं तो कहानी पूरी हो जाए। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का। क्या है इस सत्याग्रह के मायने? करीब एक दशक बाद फिर से इस देश में सत्याग्रह आ रहा है, बड़े पर्दे का सत्याग्रह। सत्याग्रह कोई आज की बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात नहीं है। सत्याग्रह बहुत पुरानी बात है। हमारे समाज में अहिंसात्मक आंदोलन के बाद बापू ने शुरू की थी, वो एक अलग चीज है। सत्याग्रह, हमारा जो सत्याग्रह है, वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है। एक पिता और पुत्र की कहानी है, मूल्यों की कहानी है और आत्मसंघर्ष की कहानी है। और इसके बीच में जो ड्रामा खड़ा होता है और दो दूसरे पात्र जुड़ते चले जाते हैं, और इनके बीच से निकली हुई ऐसी आह है जो एक पूरी सामाजिक कहिए कारण बन जाता है, जो जिस पर आंदोलन खड़ा हो जाता है। हाल ही में देश में हुए कुछ आंदोलन, निर्भया केस की बात करूं या उससे पहले 2 साल पहले हुए अन्ना हजारे के आंदोलन, काफी कुछ फिल्म उससे इंस्पायर्ड लगती है। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त जो मूवमेंट हुए थे उसकी एक झलक फिल्म में देखने मिल रही है। ये मूवमेंट तो एक जैसे ही होते हैं, लोग जुटते हैं, लोग अपनी बात कहते हैं और अहिंसात्मक रूप से लोग अपनी मजबूती सामने रखते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे जी का हो। लेकिन आपको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा कि अन्ना हजारे जी का मूवमेंट एक लीडर द्वारा लीड किया गया था और वो क्यों नहीं चल पाया उसके कारण भी आप जानते होंगे और विश्लेषण उसके लोगों ने किए हैं।